हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे कमेंट बॉक्स के अंदर, वैसे ही लास्ट वीडियो जैसे ही बना था कि बॉर्डर ओपनिंग के बारे में, जैसे कि बॉर्डर्स की जो भी अपडेट्स आई थी उसके बारे में, तो आप में से बहुत सारे लोग हुए जो बहुत खुश थे, बट लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस चल रहे थे जो आप लोगों ने मेरे को कमेंट बॉक्स में बहुत ही पूछे। तो उन सभी के जो भी आंसर है वो देने की कोशिश करूँगा आज के वीडियो में। सभी क्वेश्चंस यानी कि बहुत सारे ऐसे जो कॉमन क्वेश्चंस थे सो सारे मिला के आई थिंक 12 to 11 क्वेश्चंस है। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उन सारी चीज़ों के बारे में मेरे एक्सपीरियंस से और जो भी मेरे पास नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारे आंसर्स देने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो की जो भी एडवाइस रहेगी तो उसको लीगल एडवाइस एज अ मस्ट कंसिडर करना। ये सारी इन्फॉर्मेशन जस्ट एज अ एजुकेशनल पर्पज़ और मैं जस्ट आपको मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू सारी चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको अगर मेरे एक्सपीरियंस से अगर कुछ सीखने कुछ अच्छा मालूम लगे तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि ऐसे ही सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे और आप ऐसे ही वीडियोज़ लगातार देखते रहे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आया है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक एनी पार्ट टाइम जॉब इन ऑकलैंड। अगर बात करूँ तो अगर कोई भी पार्ट टाइम जॉब आपको कितने टाइम के अंदर अंदर मिल सकती है अगर आप न्यूजीलैंड में एंटर करते हो, तो एज अ स्टूडेंट आपको पार्ट टाइम जॉब मिलने में कितना टाइम लग सकता है। देखो एज अ माई एक्सपीरियंस मेरे को ऑलमोस्ट 6 मंथ लगे थे, बट मेरा जो एरिया था जहाँ पर मैं अपनी स्टडीज़ करने के लिए आया था तो वहाँ पर मेरे को ऑलमोस्ट 6 मंथ लग चुके थे पार्ट टाइम जॉब पाने के लिए। बट अगर ऑकलैंड जैसी बड़ी सिटीज़ में आप ट्राई करोगे तो ऑलमोस्ट आपको शायद विद इन 1 वीक या फिर 1-2 दिन के अंदर भी मिल सकती है या फिर 1 मंथ के अंदर अंदर भी आपको पार्ट टाइम जॉब ईजिली मिल जाएगी। बट अभी फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है पार्ट टाइम जॉब मिलने की क्योंकि बहुत टाइम से कोई स्टूडेंट्स नहीं आए, तो अभी पार्ट टाइम जॉब्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो शायद आप अगर न्यूजीलैंड में एंटर करते हो तो शायद दूसरे ही दिन आपको पार्ट टाइम जॉब मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो आपके अकॉर्डिंग एस्टिमेट टाइम आप गिन सकते हो कि 1 वीक से लेकर 1 मंथ के अंदर अंदर आपको पार्ट टाइम जॉब ईजिली मिल सकती है एज अ ऑकलैंड और वेलिंगटन जैसी बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर। अगर आप ऐसे छोटे से टाउन में जाते हो तो वहाँ पर 1-2 महीने की आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि वहाँ पर आपको पार्ट टाइम जॉब 1-2 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। नाउ इंडियन न्यूजीलैंड रेजिडेंट्स कैन ट्रैवल टू द इंडिया फ्रॉम 13 February इफ़ दे आर फुल्ली वैक्सीनेटेड। सो लास्ट वीडियो की एक क्वेरी आई थी कि बहुत सारे अभी जो बॉर्डर ओपनिंग हो रही है, सो सबसे पहले मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। यानी कि 13 January से बहुत सारे से जो यहाँ के कीवीज़ है यानी कि न्यूजीलैंड में अभी जो रह रहे उन लोगों को यहाँ से फ्लाई करने का मौका मिलेगा और उसके एक मंथ के बाद ऑलमोस्ट 4 वीक्स के बाद जो भी इंटरनेशनल जो भी रेसिडेंट्स है न्यूजीलैंड के और रेसिडेंट्स और जो भी रहेंगे सिटीजनशिप्स, तो वो लोग एंट्री ले पाएंगे और उसके बाद आई थिंक 1 या 1.5 महीने के बाद अप्रैल के अंदर, सो अप्रैल 30 अप्रैल 2022 के बाद सभी जो भी फुल्ली वैक्सीनेटेड ट्रैवल्स रहेंगे वो लोग को एंट्री यहाँ पर मिल जाएगी। मेक श्योर अगर वो कंट्रीज़ डिवाइड करते हैं हाई रिस्क या फिर मॉडरेट रिस्क वाली कंट्रीज़ तो शायद थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं, बट स्टिल आपको सारी क्लैरिटी मिले उसके बाद ही सारी चीज़ें आप डिसाइड करना कि आपको वहाँ से निकलना है कि नहीं निकलना है। और जो तीसरा क्वेश्चन थी जो तीसरी क्वेरी थी वो थी कि अभी से क्या जुलाई इनटेक के लिए ऑफ़र आपको ऑफ़र लेटर अप्लाई कर लेना चाहिए यानी कि ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर आगे की जो भी प्रोसेस है वो शुरू कर देनी चाहिए, बट स्टिल अभी एमबीएससी क्लोज है तो क्या प्रोसेस होगी कि नहीं होगी। देखो एज अभी इमिग्रेशन की जो भी अपडेट आई है वो इमिग्रेशन की अपडेट्स सारी आपको क्लैरिटी देने के लिए है, यानी कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप लोग अभी क्लियर हो जाओ कि हाँ अभी बॉर्डर्स ओपन हो रहे हैं तो आप अपनी जो भी प्रोसेस है वो शुरू कर सकते हैं।
बट अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल ओपिनियन मैं ये बोलूँगा कि अभी थोड़ा सा वेट कर लो, बट यहाँ पर थोड़ा सा वेट यानी कि एक मंथ वेट कर लो दिसंबर तक। और जिन लोगों ने अभी लास्ट टाइम पर यानी कि लास्ट इंटेक के अंदर जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है उन लोगों को अभी एलो किया जाएगा शायद, क्योंकि उन लोगों के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और यहाँ पर 1000 स्टूडेंट्स को एलो करने के बाद जो किए शायद उन्हीं को शायद चूज़ किया जाएगा जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, या फिर अगर आपके पास ऑफर लेटर आ गया है तो शायद आपके जो भी एजुकेशन प्रोवाइडर यानी कि आपके जो भी कॉलेज के एजेंट से या फिर आपने जहाँ से फाइल रखी है तो आपको वो लोग कांटेक्ट करके आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि आपका नॉमिनेशन इस साल यानी कि फेब इनटेक के लिए जो 1000 स्टूडेंट्स को एलो किया जाएगा उसके अंदर कंफर्मेशन आपको मिला है कि नहीं। तो जस्ट अगर आपने अभी भी कुछ भी फाइल शुरू प्रोसेस नहीं किए तो जस्ट वेट फॉर द 1 मंथ, शायद अगर कोई अपडेट आ गए और क्लैरिटी मिले तो उसके बाद आप आगे की प्रोसेस कर सकते हो। क्वेश्चन है कि वो भी सेम रिगार्डिंग स्टूडेंट्स के लिए है कि वो वीज़ा प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगी या नहीं करेगी, जिसका मैंने अभी अभी आंसर आपको दे दिया है तो वो आप उसको फॉलो करो। अब जस्ट वेट फॉर, अगर आपने कोई भी प्रोसेस नहीं किए तो जस्ट वेट फॉर द 1 मंथ, अगर कोई ऐसी अपडेट्स आती है क्लियर, अगर नॉमिनेशन जिन लोगों का कन्फर्म होता है जिन लोगों के वीज़ा आते हैं तो उसके बाद कुछ अगर क्लैरिटी मिल सकती है तो बाद में जाके आप प्रोसेस शुरू कर सकते हो जुलाई इंटेक के लिए। अदरवाइज़ अगर आपने ऑलरेडी फाइल रखी है फेब इंटेक के लिए, अगर आपको नॉमिनेशन मिल जाती है दिसंबर जनवरी के अंदर तो शायद आपके जो भी एजेंट्स या फिर एजुकेशन प्रोवाइडर है आपको वो कांटेक्ट करेंगे और आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि आपका नॉमिनेशन कन्फर्म है, आप आगे प्रोसेस करना शुरू कर दो। एक फ़नी क्वेश्चन ये यानी कि एक फ़नी कमेंट ये आई थी कि आई थिंक जेसिना हैड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स विथ यू, सो बाय अभी ऐसा कोई भी कांटेक्ट नहीं है, बट हाँ अगर कोई भी ऐसा चांस मिलेगा तो उनके साथ चाय ज़रूर पियेंगे। सो जस्ट फॉर द फनी भी एक नेक्स्ट क्वेरी ये थी कि ब्रो कुछ लोगों ने यानी कि ऑलरेडी उन लोगों ने 2021 के फेब के अंदर न्यूजीलैंड के अंदर वीज़ा अप्लाई कर दिया है और उनका कोर्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो 5 या 6 डिग्री लेवल है, बट उनका जो IELTS एक्सपायर हो चुका है यानी कि IELTS का जो सर्टिफिकेट रहता है वो शायद एक्सपायर हो चुका है, तो क्या उनको ऑलरेडी अगर वीज़ा रख दिया है उसके बाद उनको फिर से यानी कि वो सर्टिफिकेट की ज़रूरत रहेगी, उसको अप्लाई करना पड़ेगा IELTS के बारे में, IELTS की एग्ज़ाम को रीअप्लाई करना पड़ेगा या फिर वही सर्टिफिकेट से हो जाएगा, क्या वो एंट्री ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे न्यूजीलैंड के अंदर? तो आई थिंक देखो जहाँ तक मेरे को पता है वहाँ तक कि अगर कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट आपने ऑलरेडी रखा है, आपकी फ़ाइल आपने पूरी रख दी है, उसके बाद अगर कुछ एक्सपायर हो जाते हैं कुछ भी ऐसे सर्टिफिकेट्स यानी कि अगर मेडिकल भी एक्सपायर हो जाता है तो आपके जो भी लॉयर रहेंगे इमिग्रेशन के वो आपको रिक्वेस्ट करेंगे, आई थिंक वो टाइम भी देंगे कुछ टाइम का, तो आपको शायद वो रीअप्लाई भी करना पड़ सकता है। बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम अगर वो वीज़ा कम निकल जाता है यानी कि कुछ लोग के आ भी जाते हैं क्योंकि वहाँ पर क्वेरी नहीं आती है, क्योंकि आपके पास रीजंस भी रहते हैं तो आप वहाँ पर क्वेरी जनरेट कर सकते हो कि आपके पास टाइमिंग्स नहीं थे और जो टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग आपने जो भी अपनी फाइल्स के डॉक्यूमेंट्स है वो रेगुलरली उस टाइम पर डाल दिए थे, बट आपके इमिग्रेशन की जो भी रिप्लाई लेट आए उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, तो आप ये काउंटर क्वेश्चंस में आप रख सकते हो। बट इसको आप अगर कोई भी इमिग्रेशन लॉयर या फिर आपके जो भी पर्टिकुलर एजेंट्स है तो उसके साथ बात करके ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हो, इसके बारे में मेरे को उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। एक और क्वेश्चन है कि आई एम नॉन मेडिकल स्टूडेंट इन 2+, यानी कि वो अभी 12th ख़त्म कर दिया है, तो अगर वो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स है तो क्या वो BSc नर्सिंग न्यूजीलैंड के अंदर अप्लाई कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग चाहते होंगे कि उनकी जो भी कैटेगरी यानी कि उनकी जो फील्ड है उससे अगर कुछ नई फील्ड के अंदर आपको यहाँ पर स्टडी करनी है तो क्या आप कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे? तो ऑफकोर्स आप यहाँ पर कर सकोगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको स्टडी के लिए वीज़ा लेना है तो आप इजीली ले सकते हो, क्योंकि आपको जस्ट प्रूव करना है, आपको रीज़न देना पड़ेगा अगर जब भी इंटरव्यू क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट वीज़ाज़ के अंदर, तो आपको वहाँ पर क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि आपको क्यों ये कोर्स चूज़ करना है। मेरे खुद के कुछ ऐसे फ्रेंड्स है जो अपनी जो भी फील्ड थी पर्टिकुलर उसको चेंज करके यहाँ पर नए फील्ड के अंदर एंट्री उन लोगों ने ली है, तो ये बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस तरीके से आते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास मेडिकल
या फिर इंजीनियरिंग बोल लो या फिर आर्ट्स या कॉमर्स, तो उसके अकॉर्डिंग ही होता है। बट यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिल सकती है, यानी कि कोर्सेज़ की। सो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास पर्टिकुलर रीज़न है तो आप ऑफ कोर्स आप अपनी जो भी फील्ड है वो चेंज करके यहाँ पर नई फील्ड के अंदर एजुकेशन यानी कि वो स्टूडेंट वीज़ा ले सकते हो। तो ऑफ कोर्स आप BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकोगे। तो अभी एक क्वेश्चन और था कि जो था कि विजिटर वीज़ा अप्रैल से पहले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अभी विजिटर वीज़ास उन लोगों के लिए जो विजिटर यहाँ पर आना चाहते, तो जहाँ तक मेरे को पता है अभी गवर्नमेंट ने जस्ट इतना ही अनाउंस किया है कि वो लोग 30 अप्रैल के बाद यानी कि सभी विजिटर्स फुल्ली वैक्सीनेटेड विजिटर्स को यहाँ पर अलाउ किए करेंगे, जो भी पब्लिक रहेगी उनको। तो अभी जस्ट 2-3 मंथ वेट कर लो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे से क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आना बाकी है, क्योंकि जस्ट उन्होंने अनाउंसमेंट कर लिया है। बट जो भी रोड मैप रहेगा कि उन लोगों को कैसे एंट्री लेनी है, तो कुछ ऐसी अभी भी अपडेट्स आना ही बाकी है। तो मेक श्योर जस्ट वेट फॉर द टाइमिंग, परफेक्ट टाइम जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। क्योंकि अभी जैसा कि नया नया कोविड का वेरिएंट यहाँ आ गया है, जैसे कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ के अंदर, तो शायद यहाँ पर थोड़े से टाइम के लिए शायद बॉर्डर्स को पोस्टपोन किया जाए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें शायद चेंज हो सकती है। तो मैं बोलूँगा कि जस्ट वेट फॉर द सम टाइम, लाइक 1-2 मंथ थोड़ा सा वेट कर लो। उसके बाद जो भी क्लैरिफिकेशन आती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद आपकी जो भी प्रोसेस है वो शुरू कर दो। सो यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये है जो ऑलरेडी न्यूजीलैंड के अंदर रहते हैं कि सर अगर मेरे पास 2 ईयर का वर्क वीज़ा है और न्यूजीलैंड का, सो क्या अभी मैं न्यूजीलैंड से इंडिया जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता फॉर द 1 मंथ, और उसके बाद मैं वापस न्यूजीलैंड के अंदर की एंट्री ले पाऊँगा कि नहीं ले पाऊँगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे को भी न्यूजीलैंड से यहाँ यानी कि इंडिया जाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो लोग आई थिंक लास्ट 2 ईयर से कभी इंडिया नहीं जा पाए, लेकिन मोस्टली यहाँ पर जो भी इंडियंस रहते तो साल में एक बार या फिर 2 बार इंडिया जाते हैं, एक ट्रिप करते हैं, क्योंकि सभी लोगों को यहाँ से इंडिया की याद तो बहुत आती है। तो मेरे को भी जाना है, बट अभी कोई भी एंट्री के लिए बहुत सारी सी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है और उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती है। तो यहाँ से जाना और वापस आना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बट अगर आप न्यूजीलैंड रेसिडेंसी हो यानी कि रेसिडेंट हो या फिर आपके पास PR है, तो ऑफ कोर्स आप जाकर आ सकते हो, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अभी भी ओपन हैं। तो वो लोग जाकर और वापस भी आ सकते हैं और एंट्री ले सकते हैं। सो मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो आपको आपके जो भी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेने चाहिए, तो वो आप ट्राई करो। सो मेरे पास उतना कुछ इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि इसके बारे में मैं और कुछ बता नहीं सकता, अभी कुछ क्लियर नहीं है इसीलिए। और एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट विजिटर वीज़ास, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड इन लास्ट ईयर 2020, बट आई डिडेंट गेट एनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। सो अभी विजिटर वीज़ास के लिए अभी भी कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बट हाँ गवर्नमेंट ने इतना ही अनाउंसमेंट किया है कि किन किन लोगों को एंट्री यहाँ पर मिलेगी। सो 2022 के आई थिंक शुरुआत से जिन जिन लोगों के पास फुली वैक्सीनेटेड है, तो आई थिंक जब भी 1 मंथ जनवरी शुरू होगा यहाँ से कीवीज फ्लाई करेंगे, यहाँ से वो लोग बाहर की कंट्रीज़ में ओवरसीज ट्रैवल कर पाएंगे। उसके 1 मंथ के बाद सभी लोग यहाँ पर आ पाएंगे, यानी कि जो रेसिडेंस और PR से, तो उन लोग के लिए तो वो लोग आ पाएंगे। उसके बाद शायद यानी कि अप्रैल से बहुत सारी ऐसी जो भी रिक्वायरमेंट्स है जो बॉर्डर्स की वो शायद कम हो सकती है, और उसके बाद एंट्री मिलना बहुत ही आसान हो सकता है। सो अभी कुछ भी ऐसी क्लैरिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, उसकी वजह से इसके बारे में मेरे को भी उतना नॉलेज नहीं है। सो दैट्स इट आई कैन से। सो ऑल द क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर मैंने दे दिए, जहाँ तक जो भी नॉलेज थी उसके बारे में मैंने बता दिया है। सो अगर आप भी एज ए स्टूडेंट आना चाहते हो और आप अपनी प्रोसेस के बारे में सोच रहे हो, तो एक बार जस्ट थोड़ा सा वेट कर लो। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो तो आपको अभी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपके जो भी एजेंट रहेंगे या फिर आपके जो भी एजुकेशन प्रोवाइडर रहेंगे वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे अगर नॉमिनेशन आती है। जिन लोगों का कंफर्मेशन हो जाता है आई थिंक दिसंबर या फिर जनवरी के अंदर अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ों का जो भी होगा,
तो उसकी अपडेट्स आना शुरू हो जाएगी। सो वेट फॉर द सम पर्टिकुलर परफेक्ट टाइम सो यू कैन गेट द चांस। सो बस इतना ही आज के इस वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।